नमस्कार, मैं हूं मानविंदर रावत, स्वागत करता हूं आप सभी का। मित्रों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि 16 तारीख रात को 8 बजे से जो ये सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है और सूर्य अपने सम बुध की राशि के अंदर प्रवेश करेंगे तो ये कैसा फल देंगे, इसके अलावा वो कौन सी 5 राशियां होंगी जिनके ऊपर सूर्य की विशेष कृपा रहेगी। जी हां, देखिए, किसी ना किसी राशि में तो ग्रह अपना अच्छा फल देता ही है और वो फल बढ़ता तभी है जब कुंडली के 12 भावों में से वो स्थान भी अच्छी जगह ग्रहण कर ले, बैठा भी अच्छी जगह हो, तो कहीं ना कहीं उस ग्रह की और ज्यादा पावर बढ़ती है और उसके फल में भी शुभता और बढ़ती है। उसी प्रकार से कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि प्रभावित होती है। ये बात सत्य है कि सूर्य हमारे को 5 चीजें देता है। एक मन, हमारा हृदय, आत्मा, इसके अलावा आंख, हड्डी और पेट, इन सभी चीजों के कारक होते हैं सूर्य देव। सूर्य ना हो तो जीवन की कल्पना कर पाना मुश्किल है। सूर्य ना हो तो इस सोलर सिस्टम का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि सूर्य प्रकाश है और प्रकाश के बगैर ये सृष्टि ही नहीं चल सकती। इसलिए ज्योतिष का मतलब ही प्रकाश का स्वामी है। ज्योति मतलब प्रकाश, ईस मतलब स्वामी, तो ज्योतिष ही प्रकाश है, लॉर्ड ऑफ लाइट, और लॉर्ड ऑफ लाइट है सन। इसलिए मित्रों, यहां पर सूर्य जिसके जन्म पत्री के अंदर बलवान होंगे, मजबूत स्थिति में, वो अपने जीवन में खूब प्रोग्रेस कर जाते हैं। ऐसे लोग अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपने बाहुबल से आगे निकल जाते हैं। अब यहां पर सूर्य बैठा हो शत्रु के घर में या शत्रु की राशि में तो वो कैसा फल देगा। ऐसी ही कुंडलियों में सूर्य को कमजोर कहा जाता है कि आपका गलत जगह पर ग्रह बैठ गया, अब सूर्य में जान नहीं रही, वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि प्लेसमेंट ठीक नहीं है। तो मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सिर्फ 5 राशियों के बारे में, और उसमें सबसे पहली जो राशि रहेगी वो है वृष लगन। देखिए कैसी ग्रहों की विचित्र माया है। वृष लगन के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र का और सूर्य का शत्रुता का भाव है, पर वृष लगन में सूर्य त्रिकोण में आ जाएंगे, पंचम भाव में। वृष लगन के अकॉर्डिंग सूर्य का गोचर मन के स्वामी, सुख साधनों के स्वामी होकर के 5th हाउस में जब रहेगा तो ऐसे में आपकी कुशाग्र बुद्धि उच्च व्यवसायिक क्षेत्र से लाभ प्राप्त होना, और शुक्र को तो वैसे भी वेल अप टू डेट रहना पसंद है, और जब सूर्य पंचम भाव में चले जाएंगे तो आपका जो पुरुषार्थ होगा स्वयं का वो काफी बढ़ेगा। आप अपने पुरुषार्थ द्वारा भूमि, मकान, सवारी इत्यादि जो सुख होंगे वो आपको प्राप्त होंगे। यहां पर सूर्य पंचम भाव में रहने से जो आपका कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ था वो कॉन्फिडेंस एक बार दोबारा से बहाल होगा। आपके कार्यों में तीव्रता, उत्तेजना देखने को मिलेगी, पर एक बात यह भी सही है कि कहीं ना कहीं ये संतान के घर में बैठ करके थोड़ा संतान के साथ वैचारिक मतभेद कर सकते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति की संतान बड़ी महान हो जाएगी। इस दौरान वो कंपटीशन वगैरह को क्रैक कर सकती है। 23 तारीख के बाद में कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होंगी, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि में सूर्य आ जाएंगे तो पेट व गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना होगा। परंतु यहां पर ये फल बहुत बढ़िया देने जा रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। मित्रों, अब मैं आपसे नेक्स्ट लग्न राशि की बात करता हूं जो कि मिथुन लग्न रहेगी। मिथुन लग्न के स्वामी स्वयं बुध होते हैं और बुध सूर्य के ही साथ में कन्या राशि में 4th हाउस में रहेंगे। अच्छी बात है, जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और होते ही ये बुध की युति में आ जाएंगे, और बुध वहां पर एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना करके पहले से ही बैठे हैं,
अब बात आती है कि सूर्य यहां फल कैसा देंगे, सूर्य अपने साथ लेकर के क्या आ रहे हैं। तो ये तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं मिथुन लग्न में और ये बैठेंगे आपके मन के ऊपर। ऐसी स्थिति में आपकी धन की वृद्धि होगी, मकान से, भूमि से, प्रॉपर्टी से आपको लाभ प्राप्त होगा, भाई बहनों का जो सुख होगा वो बढ़ेगा, पर माता पिता के सुख में कमी होगी। व्यवसाय वह सरकारी जो क्षेत्र हैं उनके अंदर लाभ प्राप्ति की बहुत प्रबल संभावनाएं यहां पर देखने को मिलेंगी। मित्रों 23 तारीख के बाद से कोई बड़ा व्यापक, बहुत बड़े स्तर का कोई लेन देन ना करें, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। पर मिथुन लग्न है बड़ी भाग्यशाली, इसमें कोई भी किंतु परंतु वाली बात नहीं रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट सबसे जबरदस्त जिनको फल मिलेगा वो रहेगी सिंह लग्न। आपके लिए आपकी लग्न के स्वामियों के धन में जा रहे हैं, परिवार के घर में जा रहे हैं, वाणी के घर में जा रहे हैं, वहां ऑलरेडी बुध पहले से ही विराजमान है। तो मित्रों यही समय होता है जिसकी हमें प्रतीक्षा होती है। इससे पहले सूर्य आपकी लग्न में चल रहे हैं एक महीने से, और अब सूर्य धन के घर में आ गए, तो यहां पर उच्च प्रतिष्ठित लोगों के माध्यम से आपके काम बनेंगे, धन वह दौलत आपकी बढ़ेगी, आपको वाहन का, संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा, सुखों का वास होगा, ये सभी चीजें आपको प्राप्त होने जा रही हैं। आप अपने व्यक्तित्व से, अपनी वाणी से धन अर्जित करेंगे, आपको विदेशों से लाभ आएगा। पर मित्रों इसके अलावा यहां पर 23 तारीख को राहु का जब परिवर्तन होगा और सूर्य की दृष्टि के, सूर्य का के ऊपर राहु का प्रभाव आएगा, तो ऐसी स्थिति में कुछ तनाव व उलझने भी साथ में हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वैसे तो जो राहु परिवर्तन करेंगे तो बिल्कुल इतने ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं माने जाएंगे क्योंकि इनिशियल फेज होगा उनका, पर फिर भी थोड़ा केयरफुल यहां रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो सबसे भाग्यशाली लग्न राशि रहेगी वो रहेगी वृश्चिक। वृश्चिक लग्न वालों आपके लिए भी किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि एक तो आपके लग्नेश मंगल हैं वो सूर्य के मित्र हैं, दूसरी चीज कि वृश्चिक लग्न में सूर्य के पास जिम्मेदारी आ जाती है कर्म की, कैरियर की, और बैठेंगे लाभ में, और लाभ में भी स्वयं राशि के बुध के साथ में, तो ऐसी स्थिति में इनकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाएगी आपको लाभ देना, आपको प्रॉफिट पहुंचाना, इसलिए यहां बैठ करके लाभ बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, उच्च प्रतिष्ठित लोगों से काम मिलेगा, एग्रीमेंट साइन होंगे, आपकी कार्य की कुशलता बढ़ेगी, आपके गुण बढ़ेंगे, आपका आपका जो ज्ञान है वो बढ़ेगा, आपको भ्रमण करने के अवसर मिलेंगे, आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा, क्योंकि नौकरी की जिम्मेदारी लेके लाभ में बैठे हैं तो कोई प्रमोशन आपका इत्यादि हो सकता है, और जो लोग मल्टीपल बिजनेस करते हैं उनको भिन्न भिन्न क्षेत्रों से लाभ आएगा। ऐसी सब स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी बनने जा रही हैं। और इतना ही नहीं, सूर्य यहां बैठ करके सप्तम दृष्टि से मीन राशि को देखेंगे और वह भी अपने मित्र गुरु की राशि को, ऐसी स्थिति में ये भी एक सुंदर योग आपके लिए यहां बनाएंगे। मित्रों इसके बाद जो नेक्स्ट भाग्यशाली लग्न राशि रहेगी वो है धनु। अब अगर मैं बात करूं कि सबसे अच्छी कौन सी है इनमें, तो मैं सिंह को सबसे अच्छा बोलूंगा, मैं वृश्चिक को बहुत अच्छा बोलूंगा, और अब जो धनु है मैं इनको भी बहुत अच्छा बोलूंगा। उसका भी कारण है कि लग्न में एक तो स्वयं राशि के गुरु, दूसरी बात सूर्य भाग्य की जिम्मेदारी लेकर के कर्म पर चले गए, यानी कि एक भाग्य का और कर्म का समन्वय स्थापित होगा, और वहां ऑलरेडी स्वयं राशि के बुध बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत कुछ शुभ साइन लेकर के आएगी। आप भाग्यशाली यहां पर रहेंगे, आपको उच्च प्रतिष्ठित पद अधिकारियों पर जो बैठे हुए लोग हैं उनसे लाभ मिलेगा, आर्थिक क्षेत्र में आपको लाभ उठाने के अवसर प्राप्त होंगे, आपकी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, आप यदि कानून के जानकार हैं तो उस क्षेत्र के अंदर आपको लाभ मिलेगा, आप अनुशासन प्रिय हो जाएंगे, आपको
पिता के सुख में वृद्धि होगी, आपको उच्च स्तरीय जीवन यापन करने का एक अवसर प्राप्त होगा और यहां पर आप साधन संपन्न हो जाएंगे। ऐसी सभी प्रकार की जो चीजें हैं ये आपको प्राप्त होंगी, आपको समस्त प्रकार का सुख जो है वो प्राप्त होगा इस परिवर्तन के साथ ही। मित्रों, ये हैं वो पांच लग्न राशियां जिनके लिए सूर्य सबसे बेहतरीन रिजल्ट अपने परिवर्तन के दौरान देंगे। आप भी जन्म कुंडली बनवाना दिखवाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं, या किसी प्रकार के ग्रह कलेश से जूझ रहे हैं, तो एक बार कुंडली को कंसल्ट करने में कोई बुराई नहीं है। यदि डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ मालूम है तो हमें काफी कुछ पता चल जाता है। दोस्तों, आप बिल्कुल मिल सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष में उपस्थित हूंगा। अभी आपसे इजाजत चाहता हूं, नमस्कार, धन्यवाद। info@astrohubworld.com वेबसाइट www.astrohubworld। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपए व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है, महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फोन नंबर 011-2563-8157, 2563-8168, मोबाइल नंबर 99।